नमस्कार दोस्तों, रुलानिया क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और नए मेहमानों से निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो घंटे का निशान बना हुआ है उसको प्रेस जरूर कीजिए ताकि जो भी वीडियो नया अपलोड किया जाए उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी के अंदर नर्सिंग सिस्टर व नर्सिंग ट्यूटर के पदों पर जो भर्ती निकली उसके बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं टोटल पोस्टों की अगर हम बात करें तो उससे पहले देख लेते हैं शासकीय चिकित्सालयों में नर्सिंग सिस्टर, नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों में सिस्टर ट्यूटर की नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के लिए सीमित विभागीय परीक्षा हेतु चयन संबंधी नियम एवं शर्तें दिए गए हैं। तो ये जो एड्रेस है मध्य प्रदेश शासन जो सनालय स्वास्थ्य सेवाएं सतपुड़ा भवन भोपाल। अब देखते हैं इसके जो सामान्य नियम हैं उसके बाद बात करते हैं पोस्टों की पदों का विवरण। तो नर्सिंग सिस्टर के कुल 77 पद हैं, सिस्टर ट्यूटर के टोटल 33 पद हैं, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 100 पदों पर वैकेंसी जारी हुई है। जिसमें कैटेगरी वाइज बात की जाए तो जो जनरल उनके लिए नर्सिंग सिस्टर के 39 और ट्यूटर के 16 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 और 5 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 12 और 5 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 15 और 7 हैं। वेतनमान की बात की जाए तो दोनों का सेम सा वेतन है, जो 29,300 से लेकर 34,800 जो 3600 पे बैंड है वो मिलेगा। शैक्षणिक योग्यताओं की बात की जाए तो एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन स्टाफ परिचारिका के पद पर 5 वर्ष का निरंतर अनुभव होना चाहिए। आवेदन की तिथि को रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश काउंसिल द्वारा जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष है, यानी 45 ईयर्स है तो ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 50 वर्ष होगी, यानी छूट मिलेगी। अब बात करते हैं न्यूनतम अहंकारी कट ऑफ मार्क्स, यानी टोटल कितने नंबर आपको पेपर में लाने पड़ेंगे। तो इसके लिए 50% ओबीसी और जनरल के लिए हैं, 5% की छूट मिलेगी एससी एसटी को, ओबीसी को भी। तो यहाँ पर जनरल के लिए हैं 50% और एससी एसटी ओबीसी के लिए हैं 45%। आरक्षण का जो दावा है उसके लिए आपको जो आरक्षण के लिए बनता है जाति प्रमाण पत्र वो चाहिए होगा। अब दस्तावेज आपको क्या क्या अपलोड करने हैं, तो दसवीं की मार्कशीट, एमएससी बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की अंकतालिका, एमएससी नर्सिंग बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री, रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की जीवित पंजीयन प्रति, अनुविभागीय अधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र, सीएचओ या सीएस द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र जिसमें प्रोफॉर्मा वो संलग्न किया गया वो लास्ट में आपको दिखाएंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट। इसकी बात करते हैं निहितताएं, तो इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल साइट की लिंक मिलेगी, वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं। आवेदन शुल्क यहां पर नहीं दिया गया कुछ भी, यानी आवेदन शुल्क आपका नहीं लगेगा। और आवेदन शुल्क आपका वही लगेगा जो ई मित्र पर आप फॉर्म भरवाते हो उस समय जो ई मित्र वाला चार्ज करता है वही लगेगा, यानी 50 या 60 रुपये, और इसके लिए विभाग कोई आवेदन शुल्क नहीं लेगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम ये देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये परीक्षा का पाठ्यक्रम है जिसमें संख्या 1 नंबर प्रश्न पत्र है वो 1 है, अंक 200 होंगे जिसमें 75% तो सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, 25% सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड होंगे। कुल 200 अंकों का ये पेपर होगा, ये सिलेबस आप देख सकते हैं। साइकोलॉजी, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, मिडवाइफरी एंड जो ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टेटिक्स है, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, सोशियोलॉजी से हैं, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट से हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा बात की जाए एमपी ऑनलाइन द्वारा परीक्षा परिणाम की घोषणा और सफल उम्मीदवारों की सूची जारी करना, तो इसके लिए एमपी ऑनलाइन सफल उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी एक संयुक्त सूची जारी करेगा जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों को खुली श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और क्रिमी लेयर में आते हैं आरक्षण के लाभ, आयु सीमा में छूट, प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी जो टैक्स पे कर दें वो इस लाभ के लिए मान्य नहीं होंगे। अब ये कुछ अन्य इसकी देर की है, ये आप चेक कर सकते हैं। अब आगे सफल उम्मीदवारों के जो अंतिम सूची की विधि मान्यता की अवधि एवं प्रतीक्षा सूची की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश शासन सचिवालय पर जो प्रशासन विभाग के क्रमांक संख्या है उसके अनुसार
ये 15% की जो प्रतीक्षा सूची वो बनाई जाएगी, यानी वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। नियुक्ति के लिए एमपी ऑनलाइन की अनुशंसा या कुछ देख सकते हैं। दस्तावेजों का जो प्रमाण पत्रों का प्रशिक्षण है वो परिवीक्षा अवधि यानी 2 साल का यहाँ पर प्रोविजनल पीरियड रहने वाला है। चरित्र प्रमाण सत्यापन किस प्रकार करवाना है, आवंटन आपका किस प्रकार किया जाएगा, यानी जो चयनित उम्मीदवारों को ही आवंटित जाएंगे। चयनित उम्मीदवार को 15 दिवस का समय दिया जाएगा। आदेश उपरांत 15 दिवस के अंदर नियुक्ति स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य होगा, यानी ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। जो अधिवार्षिक आयु कुछ देर के जो न्यायिक क्षेत्र अधिकार है वो मध्य प्रदेश ही रहेगा। इसके अलावा ये जो परफॉर्मा दिया था एक्सपीरियंस के लिए वो आप देख सकते हैं, और इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल साइट की लिंक मिलेगी, वहाँ से PDF डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की लेटेस्ट जॉब एजुकेशन और एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी हुई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।